हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सेंटर विद देवर्षि भारद्वाज। टुडेज मैथ क्वेश्चन फॉर यू इज रिप्लेस ए बी सी बाय सुटेबल न्यूमेरल्स। देखो, हमारे सामने एक मल्टीप्लिकेशन गिवन है। इसमें एक्चुअली में नंबर्स नहीं गिवन है, ए बी मल्टीप्लाई बी ए इस टाइप से दे रखा है, बट हमको ए और बी इन ए बी सी थ्री नंबर्स, ये एक्चुअली में थ्री नंबर्स होने चाहिए, थ्री डिजिट्स होने चाहिए। तो ए बी सी को रिप्लेस करके उनकी जगह पर सुटेबल न्यूमेरल्स को हमको लिखना है, ठीक है। तो देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखो हम करते क्या हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो, हमको ये पता है कि अगर जब हम कोई भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो अगर उनकी यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में उनकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है यूनिट डिजिट सेम रहती है। दैट मीन्स अगर हम ए की बी से मल्टीप्लाई करें तो जो भी आंसर ए और बी की मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट आता है, आंसर में वही यूनिट डिजिट होता है, ठीक है। तो देखो, जब हमने ए से बी की मल्टीप्लाई की तो आंसर बी आ रहा है। और ऐसा कब हो सकता है? जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर आता है, तो ऐसा तब पॉसिबल होता है जब हम एक नंबर को वन से मल्टीप्लाई करते हैं। दैट मीन्स अगर हमने बी को वन से मल्टीप्लाई किया है तभी बी आ सकता है। तो दैट मीन्स ए की जगह तो वन आएगा, ये तो क्लियर हो गया। यानी ये वैल्यू वन, यहाँ पर जो ए है इसकी जगह वन होना चाहिए, ये ए है इसकी जगह वन होना चाहिए। तो एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि हमको पता लग गया ए की वैल्यू वन है, ठीक है। तो हमने वन पुट कर दिया। अब इसको हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं कि अगर हम वन की मल्टीप्लाई करें वन बी में, तो देखो क्या आएगा, वन बी। फिर बी की मल्टीप्लाई करते हैं वन बी में, तो देखो बी से बी की मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर, फिर बी की वन में करेंगे तो बी वन जा बी, ये आ जाएगा। और इनको ऐड करने पर हमारा आंसर आएगा, तो आंसर देखो क्या की वन है, बी प्लस वन सी बी। तो हमने यही लिख दिया बी प्लस वन सी बी, इनको ऐड करके। अब देखो, अब हम इसको कंपेयर करते हैं। बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर भी है, ठीक है। अब वन प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू सी है और लास्ट में क्या हो गया, बी से ऐड होकर बी प्लस वन हो गया। तो लास्ट वाले को देखो, बी से होकर बी प्लस वन हुआ है। ये कब हो सकता है? ये तभी पॉसिबल है जब बी स्क्वायर प्लस वन को सॉल्व करने पर एक कैरी आता हो। दैट मीन्स बी स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू 10 से लेकर 19 तक होनी चाहिए, क्योंकि अगर 10 से कम होगी तो कोई कैरी नहीं आएगा, और अगर 19 से ज़्यादा होगी बी स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू तो कैरी 2 हो जाएगा। दैट मीन्स बी प्लस 2 होता फिर, ठीक है। बट यहाँ पर है बी प्लस 1, तो हम कह सकते हैं बी स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 10 से लेकर 19 के बीच में होनी चाहिए। तो हम अब वैल्यू पुट करके देखेंगे कि बी स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कब हो सकती है। देखो, अगर हम बी की जगह 1 रखते हैं तो 1 स्क्वायर प्लस 1 2 हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1 होता है प्लस 1 2, तो नहीं हो सकता। फिर 2 रख के देखेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, अभी भी ये 10 से कम है। फिर हम 3 रख के देखते हैं, तो देखो 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 1 10, तो सी की जगह 10 की 0 और एक कैरी हो जाएगा बी प्लस 1। तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर क्या हो सकता है, हमारा आंसर हो सकता है कि बी की जगह 3, जब हमने बी की जगह 3 पुट किया तो सी की वैल्यू कितनी आई, 10 की 0, ठीक है। तो हमको पता लग गया कि अगर बी की वैल्यू 3 है तो सी की वैल्यू 10 की, दैट मीन्स 0 आ जाएगी। बात समझ में आई? बट अभी तो हमने रख के वैल्यू पुट करके देख रहे हैं, तो हो सकता है कि 3 के बाद भी कोई ऐसी वैल्यू हो। तो हम क्या करते हैं, बी की जगह 4 रख के देखते हैं। देखो 4 स्क्वायर कितना होता है, 16, और 1 17, तो 17 का 7, सी की जगह क्या आ जाएगा, 17 का 7। अगर जब हमने बी की जगह 4 रख कर देखा तो सी की जगह 7 आता है। दैट मीन्स अभी भी देखो 1 कैरी है, तो बी प्लस 1 ठीक हो जाएगा अपने आप में, 1 प्लस हो जाएगा 17 से 7 और 1 कैरी बी प्लस 1। तो ये आंसर, अगर हम बी की जगह 4 रखते हैं तो सी की जगह 7, ये आंसर भी करेक्ट होगा। दैट मीन्स ए की वैल्यू तो फिक्स है 1, बी की वैल्यू 3 होगी तो सी की वैल्यू 0 होगी, अगर बी की वैल्यू 4 होगी तो सी की वैल्यू 7 होगी। तो बात समझ में आई? अब हम और चेक करते हैं 4 के बाद, सपोज हम सॉरी 3 के बाद, अब हम चेक करते हैं 4 के बाद। देखो 4 फोर 16 और 1 17, हमारी आंसर ये मैच कर रहा है। अब हम रख के देखते हैं 4 के बाद 5, तो देखो 5 जो होता है 25 एंड 1 26, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ गई कि अब ये 20 से ग्रेटर हो गया नंबर, दैट मीन्स कैरी 2 आ रहा है, तो हमको ये आंसर नहीं चाहिए। तो हमारे आंसर्स दो पॉसिबल हैं, ए की वैल्यू बी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 0। और दूसरा आंसर पॉसिबल है ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 7। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमको ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, वैल्यूज़ को कैसे पुट करना है।
अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो नाउ ऑन द बेस ऑफ सेम क्वेश्चन आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज रिप्लेस ए बी सी बाय सुटेबल न्यूमेरल्स एंड क्वेश्चन इज ए बी मल्टीप्लाई बी ए इज इक्वल टू बी सी बी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो एंड ए बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट करो। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।